Hello friends, welcome back to my YouTube channel Inside Organon. In today's video, we will be discussing 10 important questions of general pathology examinations. क्योंकि पैथोलॉजी एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है एंड उसका ही एक पार्ट है जनरल पैथोलॉजी जो कि अपने आप में बहुत बड़ा सिलेबस कंसीडर करता है. बट उन इम्पोर्टेंट सिलेबस में से उस बड़े से सिलेबस में से आपको कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने हैं, कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं जो कि आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फ्रूटफुल रहेंगे, आज के वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे. कई लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था ये वीडियो बनाने के लिए, सो आई हैव मेड वन. आई होप दिस हेल्प्स. ऑल्सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा. लेट्स गेट स्टार्टेड. Friends, before discussing important questions of general pathology with you all, first let me discuss the distribution of marks of pathology papers. हम सबको पता है कि पैथोलॉजी के दो पेपर्स होते हैं, पेपर वन और पेपर टू, दोनों 100-100 मार्क्स ईच कंसिस्ट करते हैं. बट स्टिल पैथोलॉजी इज अ वाइड टॉपिक और उसमें जो भी सब्जेक्ट है, जो भी टॉपिक्स हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन होता है हमारे पेपर में, वो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है. सो सेक्शन ए जो पेपर वन का होता है वो कंसिस्ट करता है जनरल पैथोलॉजी, जिसके क्वेश्चंस हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, और वो कंसिस्ट करता है 50 मार्क्स के क्वेश्चंस को. मूविंग ऑन, वी हैव सेक्शन बी जिसमें सिस्टमिक पैथोलॉजी डिस्कस की जाती है एंड दिस ऑल्सो हैज 50 मार्क्स कॉन्ट्रीब्यूशन. तो इन टोटल पेपर वन जो होता है वो कंसिस्ट करता है जनरल पैथोलॉजी और सिस्टमिक पैथोलॉजी, और इसका पूरे पेपर का जो टोटल होता है मैक्सिमम मार्क्स वो होते हैं 100. मूविंग ऑन, वी हैव पेपर टू. इसमें भी दो सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी. जो सेक्शन ए होता है वो कंसिस्ट करता है बैक्टीरियोलॉजी और फंजाई एंड पैरासाइट्स. जो बैक्टीरियोलॉजी है वो कंसिस्ट करता है 25 मार्क्स और फंजाई एंड पैरासाइट्स का कंट्रीब्यूशन होता है 25 मार्क्स अगेन. सो यहाँ पे भी पेपर जो सेक्शन ए है पेपर टू का, इसका भी कंट्रीब्यूशन है 50 मार्क्स. नाउ सेक्शन बी में भी कुछ टॉपिक्स हैं जो कि है वायरोलॉजी, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स, माइक्रोबायोलॉजिकल कंट्रोल एंड मैकेनिज्म ऑफ पैथोजेनिसिटी एंड जनरल टॉपिक्स ऑफ इम्यूनोपैथोलॉजी. इसमें जो वायरोलॉजी है इसका कॉन्ट्रीब्यूशन 20 मार्क्स का है, माइक्रोबायोलॉजी जो है उसका है 10 मार्क्स का, माइक्रोबायोलॉजिकल कंट्रोल एंड मैकेनिज्म ऑफ पैथोजेनिसिटी का 10 मार्क्स एंड जनरल टॉपिक्स ऑफ इम्यूनोपैथोलॉजी का भी 10 मार्क्स. आज के पेपर में हम डिस्कस करेंगे जनरल पैथोलॉजी के वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में ऑफन रिपीट किए जाते हैं. तो चलिए आज के वीडियो को हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं. Now, if you are preparing for your pathology examination, inflammation is a topic you should never forget. Inflammation एक बहुत important topic होता है general pathology का. सबसे पहले inflammation अगर हम जाने क्या होता है, तो it is defined as the local response of the living mammalian tissues to injuries due to any agent. It is the body's defense mechanism in order to eliminate the agent. जो भी agent जिसने भी इंजरी कॉज की है, जो भी हमारी बॉडी को हार्म कर रहा है, वो हमारी बॉडी का एक डिफेंस रिएक्शन होता है जिसे हम इन्फ्लेमेशन के नाम से जानते हैं. ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई. अब क्योंकि पैथोलॉजी के टॉपिक्स बहुत वाइड है और एग्जाम बेस्ड अगर आपको पढ़ना है आपके थ्योरी पेपर्स के लिए, तो आप वो सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ सकते. सो इन्फ्लेमेशन में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे आप इन्फ्लेमेशन की, उसके कॉजेस पढ़ेंगे. जो साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ट्यूबर, ट्यूमर, कैलर, डॉलर एंड फाइनली लॉस ऑफ फंक्शंस, जो फंक्शियोलेशिया है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है. सो साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन पढ़ेंगे आप. उसके बाद आप टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन पढ़ेंगे. टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन में दो टाइप के इन्फ्लेमेशन है, अक्यूट इन्फ्लेमेशन एंड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन. और फिर अक्यूट में जितने भी इवेंट्स हैं
और क्रोनिक में जितने इवेंट्स हैं वो सारे इवेंट्स आपको पढ़ने होंगे। सो दिस इज अ टोटल बैकग्राउंड कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ये एक स्केलेटल फ्रेमवर्क है उस टॉपिक्स का जो कि आपको इंफॉर्मेशन पढ़ने में कवर करने हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव नेक्रोसिस। अब नेक्रोसिस क्या होता है? नेक्रोसिस सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो चैप्टर है सेल इंजरी एंड सेल एडेप्टेशंस, इसमें आपको ये टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है नेक्रोसिस। नाउ नेक्रोसिस होता क्या है? नेक्रोसिस भी हमारी बॉडी का एक रिस्पॉन्स है या फिर हम ये कह सकते हैं कि नेक्रोसिस एक फोकल सेल डेथ है along with degeneration या फिर degradation of tissue by hydrolytic enzymes liberated by the cells. जो cells digestive enzymes liberate करती हैं, hydrolytic enzymes liberate करती हैं, जिसकी help से tissue का destruction हो जाता है, ये भी एक inflammatory reaction है, ठीक है? Now necrosis is again a very important topic और आपको necrosis में क्या पढ़ना है? आपको necrosis की definition पढ़नी है सबसे पहले। अब types of necrosis जो है वो बहुत important है और types of necrosis में coagulative necrosis, liquefaction necrosis, caseous necrosis, next we have is fat necrosis and fibrinoid necrosis. ये सारे important topics हैं, इनके आपको definition और एक एक example कि ये किस जगह पर ज्यादातर पाया जाता है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। So if you are preparing for necrosis और आप pathology exam के लिए ये topic prepare कर रहे हैं तो इन सारे topics को, that means आप necrosis की definition और जो types of necrosis है इसको prepare करना बिल्कुल मत भूलिएगा। Now, gangrene is a form of necrosis of tissues with super added putrefaction. तो gangrene क्या है? ये भी necrosis में जब putrefaction होने लगता है, जब degradation होने लगता है, तो हम इसे कहते हैं gangrene. So, gangrene भी बहुत important topic होता है. Gangrene के भी कुछ types है, जैसे digangrene, wet gangrene and gas gangrene. तो ये सारे गैंग्रीन के टाइप्स, इनकी डेफिनेशन और ये ज्यादातर कौन से ऑर्गन में पाए जाते हैं वो आपको जानना बहुत जरूरी है। ऑल्सो ड्राई गैंग्रीन और वेट गैंग्रीन में कई बार एग्जाम में डिफरेंसेस भी पूछे जाते हैं, तो आपके बुक में वो टैबुलेटेड फॉर्म में दिया होगा, आप उसे चाहे तो पढ़ सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, इडिमा इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ जनरल पैथोलॉजी, जिससे कई बार क्वेश्चंस रिपीट किए गए हैं। इडिमा जो होता है, ये इडिमेटस स्वेलिंग जो होती है बॉडी में, वो क्या होती है, किस वजह से होती है? एक्सेसिव फ्लूइड के एक्यूमुलेशन की वजह से। ये आपको हेमोडायनेमिक डिसऑर्डर्स के चैप्टर में मिल जाएगा। तो इडिमा में सबसे पहले अगर आप ऑब्जर्व करें ये फिगर, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से एक्सेसिव फ्लूइड एक्यूमुलेशन की वजह से एंकल और फुट में स्वेलिंग देखी जा सकती है। नाउ ये सिर्फ एंकल और फुट रीजन में नहीं, कई और रीजन्स में ऑब्जर्व किया जा सकता है, जिस वजह से इडिमा के और टाइप्स होते हैं, जैसे लोकलाइज्ड इडिमा हो गया, जनरलाइज्ड इडिमा हो गया और स्पेशल इडिमा हो गया, जिसमें भी और कई टाइप्स आते हैं। सो अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप सबसे पहले इडिमा की डेफिनेशन प्रिपेयर करोगे, इडिमा की पैथोजेनेसिस, किस वजह से इडिमा हो रहा है और उसके होने का जो मैकेनिज्म है वो क्या है आप वो देखोगे, फिर इसमें ट्रांसुडेट और एक्सुडेट एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये भी आपको पढ़नी होगी, एंड फाइनली आप जो मैकेनिज्म है, जो फ्लो चार्ट के फॉर्म में मैकेनिज्म दिया हुआ है, वो भी आप पढ़ोगे। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपको इडिमा प्रिपेयर करते समय पढ़ना है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट वी ऑल्सो हैव फ्रॉम हीमोडायनेमिक डिसऑर्डर्स चैप्टर इज थ्रोम्बोसिस। नाउ व्हाट इज थ्रोम्बोसिस? थ्रोम्बोसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड मास इन द सर्कुलेशन फ्रॉम द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द फ्लोइंग ब्लड। The mass itself is called a thrombus. तो thrombosis क्या होती है? ये process होता है जिसकी वजह से जो blood के structures हैं, जो blood में normal जो blood का flow होता है, उसमें जो भी circulation के constituents हैं, वो mass form कर ले, वो embolus form कर ले, और वो जो formation होता है, उसे हम thrombus कहते हैं। देखिए यहाँ पे आप observe कर सकते हैं
कि यहाँ पर एक नॉर्मल ब्लड फ्लो दिखाया गया है एंड साइट में आप देख सकते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस कि किस तरीके से यहाँ पर अक्यूमुलेशन हो गया है थ्रोम्बस का. सो दिस इज थ्रोम्बोसिस. थ्रोम्बोसिस अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप इसकी डेफिनेशन प्रिपेयर करोगे, इसकी पैथोफिजियोलॉजी प्रिपेयर करोगे जिसमें आपको रोल ऑफ ब्लड वेसल्स वॉल्स मिलेगा, फिर आपको रोल ऑफ प्लेटलेट्स मिल सकते हैं एंड रोल ऑफ कॉगुलेशन सिस्टम. सो आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं. उसके अलावा आपको हाइपरकॉगुलेबिलिटी ऑफ ब्लड एंड ऑल्टरेशन ऑफ ब्लड फ्लो में पढ़ना है थ्रोम्बोसिस के अंदर. सो ये आता है सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंस में जो कि ऑब्स्ट्रक्टिव नेचर की है. ऑब्वियसली जो थ्रोम्बाई है वो क्या करेगा, सर्कुलेशन में ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगा. सो दिस कम्स अंडर सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंसेस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव नेचर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव नियोप्लेजिया. नाउ नियोप्लेजिया ट्यूमर होते हैं, तो नियोप्लेजिया में आपको सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन पढ़ना होगा. जो ट्यूमर है उसकी ग्रोथ किस वजह से होती है, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं जैसे रेट ऑफ ग्रोथ एंड ग्रॉस फीचर्स, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, और वो किस तरीके से इन्वेड करते हैं, जो उसका लोकल इन्वेजन होता है मतलब आसपास के टिश्यू में जाना, या फिर डिस्टेंट स्प्रेड जो कि कई बार मेटास्टेसिस की हेल्प से भी होता है, उसके बारे में भी आप अच्छे से पढ़ लेंगे. उसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा कुछ टॉपिक्स पढ़ने चाहते हैं इस चैप्टर से सो आप पढ़ सकते हैं ग्रेडिंग एंड स्टेजिंग एंड ऑल्सो कार्सिनोजेनेसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि वो क्या एजेंट्स होते हैं जो ट्यूमर का फॉर्मेशन करते हैं. इस टॉपिक से कई बार क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं. सो कार्सिनोजेनेसिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज प्रेजेंट इन दिस चैप्टर नोन एज नियोप्लेजिया. सो नियोप्लेजिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इस टॉपिक को छोड़ दीजिएगा बिल्कुल मत. नाउ सेल इंजरी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ जनरल पैथोलॉजी. इसमें आप डिस्कस करेंगे इटियोलॉजी ऑफ सेल इंजरी, आप उसे पढ़ लेंगे और उसमें जितने भी पॉइंट्स है जैसे हाइपोक्सिया हो गया, इस्टीमिया हो गया, कुछ फिजिकल एजेंट्स, केमिकल एजेंट्स जो भी कॉज करते हैं इटियोलॉजी, दैट मीन्स सेल इंजरी को कॉज करते हैं, उसके कॉजेटिव फैक्टर्स हैं, आप उनके बारे में डिस्कस करोगे. आप पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी पढ़ना बिल्कुल मत भूलिएगा. ऑल्सो जो पैथोजेनेसिस है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल इंजरी की, जो कि आपको एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में अपनी टेक्स्ट बुक में मिल जाएगी, वो भी आप पढ़ना बिल्कुल नहीं भूलेंगे. सो सेल इंजरी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट मिनट प्रिपरेशन अगर आपको करनी है और कोई तो ऐसा टॉपिक है जिसकी रिपीट होने की बहुत ज्यादा चांसेस है, सो सेल इंजरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड लास्ट मिनट रिवीजन के लिए आपको सेल इंजरी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है. नेक्स्ट टॉपिक इज शॉक एंड शॉक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली रिपीटेड इन पैथोलॉजी फर्स्ट एग्जामिनेशन. नाउ शॉक क्या होता है, ये क्लिनिकल स्टेट है कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स की, जो या तो इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ब्लड से होती है या फिर इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन से होती है. शॉक में आपको उसकी डेफिनेशन पढ़नी है और जो प्राइमरी या फिर इनिशियल शॉक होता है उसके बारे में आप पढ़ेंगे एंड फाइनली जो शॉक के टाइप्स होते हैं हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक एंड डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, वो किन वजह से होता है आपको ये पढ़ना बहुत जरूरी है. सो शॉक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे कई बार क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट हुए हैं. नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव इज अमायलॉयडोसिस. अमायलॉयडोसिस जो टॉपिक होता है ये आपको कौन से चैप्टर में मिलेगा, ये मिलेगा आपको इम्यूनोपैथोलॉजी इंक्लूडिंग अमायलॉयडोसिस. ये एक चैप्टर है आपके टेक्स्ट बुक में आपको मिलेगा, आपको उससे अमायलॉयडोसिस पढ़ना है. ये क्वेश्चन जनरल पैथो में शॉर्ट आउट के फॉर्म में पूछा गया है तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. अमायलॉयडोसिस इज अ टर्म यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ डिजीजेस कैरेक्टराइज्ड बाय एक्स्ट्रा सेलुलर डिपोजिशन ऑफ फाइब्रिलर प्रोटीनेशियस सब्सटेंसेस कॉल्ड अमायलॉयड. जो एक्स्ट्रा सेलुलर डिपोजिशन हो जाता है प्रोटीनेशियस सब्सटेंस का जिसको हम एमायलॉयड्स कहते हैं,
उसकी वजह से जो ग्रुप ऑफ डिजीजेस कॉज होती हैं हम इसे अमाइलॉइडोसिस कहते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट नोट के फॉर्म में कई बार पूछा गया है, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इस टॉपिक को जनरल पैथो से बिल्कुल मत छोड़ना। नाउ एनाप्लेजिया क्या होता है? एनाप्लेजिया इज द लॉस ऑफ मैच्योर और स्पेशलाइज्ड फीचर ऑफ अ सेल और टिश्यू एज इन मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में जब टिश्यू या फिर जो ऑर्गन है, जो सेल है, वो अपना स्पेशलाइज्ड फंक्शन लूज कर देती है। ऑब्वियसली जब सेल और टिश्यूज अपना फंक्शन लूज करेंगे तो वो ऑर्गन भी किसी काम के लायक नहीं रह जाएगा। तो ये जो लॉस ऑफ मैच्योर और स्पेशलाइज्ड फीचर्स होते हैं हम इसे क्या कहते हैं? एनाप्लेजिया। सो एनाप्लेजिया इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली रिपीटेड टॉपिक्स जिसको आपको प्रिपेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। इसके बारे में कई बार शॉर्ट नोट्स पूछे गए हैं तो आप इस टॉपिक को जरूर प्रिपेयर कर लेना। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इन टुडेज लेक्चर वी डिस्कस द 10 मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स इन योर जनरल पैथोलॉजी एग्जामिनेशंस। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो या फिर आप चाहते हैं कि मैं पैथोलॉजी के और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ शेयर करूं, तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट्स फ्रॉम इनसाइड ऑर्गेनॉन।